दोस्तों बात करने वाले सुन लो एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखिए आज स्टॉक में फिर से दोस्तों लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों अगर आप 5 दिन में देखोगे तो एक बड़ी गिरावट नजर आई है, अराउंड 13-14% तक ये गिर चुका है। देखो आपको समझ रहा है कंपनी का फाइनेंस कंपनी का बिजनेस, मैं हर एक वीडियो में आपको एक ही चीज कहता हूँ कि देखो आज जो गिरावट हुई इसके पीछे अगर वजह की मैं बात करूँ दोस्तों कोई भी वजह नहीं है, ओनली फॉर यहाँ पे आपका जो पावर इंडेक्स है दोस्तों वो गिरा है। देखो एनर्जी सेगमेंट खासकर मिडकैप वाले जो 100 रुपए के नीचे वाले स्टॉक थे उनमें कल एंड आज फिर आप देखेंगे तो हमें गिरावट नजर आ रही है टोटली। देखो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन खड़ा ये होता है कि क्या रिवर्सल करेगा। बिल्कुल दोस्तों रिवर्सल करेगा इस लेवल से ही। देखो जो आरएसआई है ये गिर के अराउंड 45 आ चुका है। पिछले अगर 4-5 महीने में आप देखेंगे तो आरएसआई 45 का कभी भी नहीं आया। स्टॉक के आरएसआई ने अराउंड 50 के लेवल से रिवर्सल किया है। तो इम्पोर्टेंट डाटा हमारे सामने है उसको हम देखेंगे दोस्तों। एक बड़ा अपडेट यहाँ पे नजर आया था, बड़ा चेंज कंपनी ने बोर्ड में किया था। अगर उसके बारे में बताऊँ दोस्तों कंपनी ने अपना सीईओ बदल दिया, मतलब सीईओ दूसरा यहाँ पे अपॉइंटमेंट मतलब दूसरा सीईओ यहाँ पे नियुक्त किया गया कंपनी के अंदर। तो ये बोर्ड का अपडेट था। ये किसी के साथ दोस्तों पिछले 6 महीने में देखोगे लगभग पैसा डबल हुआ है। पिछले 6 महीने में जिसने इन्वेस्टमेंट किया डबल किया एंड पिछले 2-3 महीने से देखेंगे तो कंटिन्यू कंसोलिडेट ये कर रहा है एंड इस लेवल में दोस्तों कई लोग पहने चुके हैं। देखो रिटेल को क्या होता है, रिटेल को एक तो भागता हुआ स्टॉक अच्छा लगता है, ठीक है ना। रिटेल को एक कंसोलिडेट वाला स्टॉक अच्छा नहीं लगता है, गिरावट वाला स्टॉक अच्छा नहीं लगता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जो हम देखते हैं मार्केट में वो चीजें नहीं होती है एंड उसके पीछे कई सारी चीजें हमारे सामने आती है बट वो हम नहीं देख पाते हैं, हमें ओनली फॉर प्राइस दिखता है। यहाँ पे देखो जो कंपनी का मार्केट कैप भाई 60,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका था वो मार्केट कैप 60,000 करोड़ के नीचे वापस आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ जो डाटा है वो आपको समझना है। देखो दोस्तों आज अगर आप देखेंगे तो जो आपके पावर के कई सारे स्टॉक है वो तो मतलब पॉजिटिव यहाँ पे बट ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो आपको गिरावट नजर आ रही है। देख लो यहाँ पे आप देख लो अदानी ग्रीन भी यहाँ पे गिरावट में है, आपका जो जेपी पावर है वो भी यहाँ पे गिरावट में है, अदर जो स्टॉक है उनको भी आप देख लो ज्यादातर आपको गिरावट में दिखेंगे बल्कि मार्केट में एक अच्छा बाउंस नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हमें देखना है कुछ डाटा जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए हाल ही में कंपनी के हमें Q3 के आंकड़े देखने को मिले थे, रिजल्ट दोस्तों धमाकेदार देखने को मिले। मार्केट ने जैसा सोचा नहीं उससे अच्छा कंपनी रिजल्ट यहाँ पे दिया है। एंड करंटली अगर बात करूं मैं कंपनी की एमओ मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर बुक है उसकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों कंपनी के पास एक अच्छी ऑर्डर देख लिए दोस्तों। कंपनी के जो इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स है जो कि यहाँ पे कंपनी से काम लेते हैं कंपनी को काम देते हैं उनका आपको डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसके बाद दोस्तों जो मेन कंपनी का यहाँ पे जो ऑर्डर है ना ऑर्डर बुक वो हमारे सामने आपको देखने को मिल रहा है। देख लो यहाँ पे दोस्तों ये कंपनी की ऑर्डर बुक है, ठीक है, ये करंटली कंपनी की ऑर्डर बुक है। इतने ऑर्डर्स कंपनी के पास पड़े हुए अराउंड अगर आप देखेंगे किस किस कंपनी से कौन कौन सा ऑर्डर सारी चीजें हमारे सामने है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी चीज हमारे लिए रहेगी कि हमें क्या करना है। अभी के टाइम देखो दोस्तों कई लोग तो डर के निकल रहे हैं, कई लोग नई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट डाटा मैं आपको समझाऊंगा। देखो अभी के टाइम जो पीई स्टॉक का यहाँ पे 116 के आसपास हमें नजर आ रहा है एंड जो आपकी बुक वैल्यू वो इस क्वार्टर में बढ़ी थी, डेली मतलब हर क्वार्टर में बढ़ रही है। जो पहले माइनस हुआ करती थी वो पॉजिटिव आ चुके हैं। जो रिजल्ट थे हाल ही के अगर वो आप देखेंगे तो दोस्तों रिजल्ट धमाकेदार देखने को मिले। सेल्स कंपनी की अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से इंक्रीज हुई है एंड लास्ट ईयर क्वार्टर से हल्की सी यहाँ पे घटी है, ठीक है ना। बट सबसे इम्पोर्टेंट सॉरी लास्ट ईयर क्वार्टर से भी बढ़ी है, पिछले क्वार्टर से भी बढ़ी। लास्ट क्वार्टर में 1458 इस क्वार्टर में 1560 हो चुकी है, 1421 से बढ़ के 1560 हो चुकी है। मेन चीज ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के शानदार है, यहाँ पे 16-17 के हैं जो कि बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एंड कंपनी का इंटरेस्ट देख लो पहले कितना पे करते थे, करंटली भाई 14 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है तो प्रॉफिट इस वजह से भी बचा। इस बार 203 करोड़ का प्रॉफिट है एंड जो जिसे कंपनी ने एक अनाउंसमेंट करी थी कि जो Q4 की रिजल्ट है ना वो दोस्तों Q3 से भी बेहतर देगी। अगर कंपनी Q4 के अंदर 250 करोड़ का भी प्रॉफिट जनरेट करके देती है तो दोस्तों जो आपका पीएबी के टाइम 110 का ना ये गिर जाएगा और ये बहुत नीचे आ जाएगा यहाँ से। तो भाई कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आप ये मत बोलो कि एफआई ने जो होल्डिंग इंक्रीज करी है ना यहाँ पे 10.88 से 10.17.83 की अराउंड 6% की, तो भाई ये 30+ की होल्डिंग है टोटली। यहाँ पे 30+ खरीदा गया इसको और गिरावट होनी होती भाई किसी को बेचना होता तो इतने दिन पहले बेचता ना, अच्छे रिजल्ट के बाद कौन बेचता है, कोई नहीं बेचता है। तो ये चीज आप समझे एंड यहाँ पे जल्दबाजी में बेचने की गलती ना करें क्योंकि स्टॉक देखो लगातार लोअर सर्किट क्रिएट कर रहा है, लोअर सर्किट तोड़ता है फिर ऊपर जाता है, फिर लोअर सर्किट लगाता है फिर ऊपर। इसका मतलब क्या है कि रिटेल यहाँ पे बेच रहा है, रिटेल को पैनिक किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज खरीद कौन रहा है, तो दोस्तों एफआई जो पहले भी खरीद चुके हैं, डीआई वाले जो कि यहाँ पे बेच चुके हैं अब डिस्काउंट में यहाँ पे खरीदेंगे। तो ये चीज आप समझ देखिए उसे इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको आप पहले समझो। करंटली हमें देखो वॉल्यूम बड़ी वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने आज लोअर सर्किट क्रिएट किया है। 9 करोड़ 43 लाख शेयर यहाँ पे भाई बिकवाली हो चुकी है इतने शेयरों की एंड करंटली अगर देखा जाए तो दोस्तों 7,39,000 40,000 के आसपास बाई रहे हैं, यहाँ पे 80 लाख के आसपास शेयर हमें नजर आ रहे हैं। एसएम की
फर्स्ट में आ चुका है जो कि 4-5 दिन में बाहर हो जाएगा, एंड जो डिलीवरी है 42% के आसपास नजर आ रही है। और उन बताओ, मैं 3.5 करोड़ शेयर सुबह सुबह खरीद लेंगे, जिसके इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर देखा जाए तो 150 करोड़ के आसपास की बैठ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट की सब कुछ चार्ट अगर अभी भी देखेंगे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ऐसा नहीं कि गिर चुका है, एंड सारी चीजें खत्म हो चुकी है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मौका है। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन, ताकि हर एक अपडेट टाइम टाइम